नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मन को वश में करने के टॉपिक पर। और मेरे चैनल चलो बातें करते हैं में आपका स्वागत है। और मन को वश में करने की बात आती है तो सभी कहते हैं कि हमारा मन ये भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है। और इसी से संबंधित को प्रश्न गीता में भी अर्जुन ने पूछा था कृष्ण भगवान से कि हे कृष्ण भगवान जी, हे मित्र, मेरा जो मन है वो मेरे वश में नहीं है और मैं औरों का मन भी अपने वश में नहीं कर सकता। आप कहो तो मैं इस धरती को अपने वश में कर सकता हूँ, वायु को अपने मन में वश में कर सकता हूँ, सभी चीज़ों को कर सकता हूँ, पर एक व्यक्ति का मन जो होता है वो मैं अपने वश में नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम ये ऐसा समझो कि अगर तुम्हारा मन किसी चीज़ में व्यस्त है तो उसको समय ही नहीं मिलेगा कि वह किसी और की चीज़ को सोचे कि वश में करे। और सबसे पहले अपने मन को वश में करो, दूसरों के मन को वश में करने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हें अपना मन अपने वश में करना चाहिए। आप ये काम कर रहे हो और मन आपका कहीं और है तो आपका मन आपके वश में नहीं है। इसलिए आपका जो मन है मेरे चरणों में, मेरी पूजा में, मेरी बातों में लगाओ, मेरे ज्ञान में लगाओ तो तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। तो अर्जुन कहता है कि अपने मन को वश में करना तो आसान है किंतु दूसरों का मन नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर आप अपने मन को वश में रखेंगे तो आपका मन कैसे चाहेगा कि मैं उसको अपने वश में करूं? तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरे के मन को वश में करना चाहेगा। और इसी से जुड़ी एक बात और भी कथा है जो कि बहुत कहानी प्रचलित है पहले से। हुआ ऐसा कि एक शहर में एक सेठ रहता था, उसके पास बहुत काम रहते थे, वो भगवान की पूजा भी जल्दी जल्दी बस दिया जला करके ऐसे ही कर देता था और उसको बहुत ही ज़्यादा काम थे। वो सोचता था कि अगर जो मेरा काम करने वाला कोई मिल जाए मुझे तो मुझे इससे रिलैक्स मिल जाएगा और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। पर ऐसा कोई उसे मिला नहीं। तब रास्ते में भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे मिल जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, तो जाओ तुम्हें अब ऐसे ही एक मिलेगा व्यक्ति जो कि तुम्हारे सारे काम कर देगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं, भूत था और जो कि सेठ को कहने पर आया, भगवान के कहने पर उसको मिला और उसने कहा कि बताओ सेठ जी मैं क्या काम है और काम मुझे बताते रहना, क्योंकि अगर मैं खाली हुआ और काम मुझे नहीं दिया आपने तो मैं फिर आपको खा जाऊंगा, ये शर्त उसने रखी। तो सेठ जी ने कहा अरे क्या बात कर रहा है ये, मेरे पास तो इतने काम हैं, बम्बई लंदन हर जगह का मेरा बिजनेस है, वो सब कुछ संभालेगा, अटके पड़े हुए हैं कई कई साल के काम, तो इसको वक्त ही कहाँ मिलेगा कि ये मुझे खाए। तो उन्होंने ऐसे ही उस बात को ले लिया और कहा कि ठीक है। तो ऐसे वो काम बताता रहा और सेठ जी काम बताते रहे और वो सारे काम करता रहा प्रेत। तो उसके बाद जो है एक टाइम ऐसा आया कि सब काम निमट गए और कोई काम बाकी नहीं बचा। तो उसने कहा, प्रेत ने कहा कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा। तो सेठ जी बोले कि अभी थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। तो वो उसी स्थान पर गए जहाँ की भगवान ने दर्शन दिए थे। उन्होंने फिर प्रार्थना की, तपस्या की और कहा कि मुझे बताओ मैं इस जो परेशानी है उससे कैसे निजात पाऊँ। तो भगवान जी ने कहा कि कुछ उसको सलाह बताई, कुछ बताया और वो सुनकर के वो आ गया। और आकर के प्रेत तो बैठा था उसको खाने के लिए, उसने कहा कि सेठ तैयार हो जाओ मैं तुम्हें खाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो, बाहर जा कर के आंगन में एक गड्ढा खोदो 10 फीट 20 फीट गहरा। तो उसने खोद दिया कि अब बताओ। उसने कहा एक बांस इसमें लगाओ, तो उसने वो भी लगा दिया। तब उसने कहा ऐसा करो इसके ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, नीचे से ऊपर चढ़ो, और ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करते रहना है। तो ये तो काम ऐसा था कि कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं था और ना ही कोई काउंटिंग करनी थी ना गिनती करनी थी। तो प्रेत को ये कह दिया सेठ जी ने और जो भगवान जी ने उनको बताई थी एक युक्ति, वो काम आ गई और प्रेत उसमें लग गया।
बांस पर उतरने चढ़ने में इस प्रकार से सेठ की जान भी बच गई और सेठ को सबक भी मिल गया कि काम में लगे रहने से मन को इतनी जो है वो नहीं मिलता कि मेरे पास ये होता ये होता। तो इसलिए बात ये है कि अपने मन को हमें वश में करना चाहिए, और तो वो किसी और तरफ भागेगा ही नहीं, ना उल्टी सीधी बातों में जाएगा, भगवान के चरणों में। आप प्रार्थना कहीं भी बैठ कर के कर सकते हैं भगवान की, ये नहीं है कि भगवान कहे कि मंदिर में आकर के ही करनी है, कहीं भी नाम ले सकते हैं भगवान का। और अगर आपके पास समय है तो भगवान का भजन करिए, कुछ भी करिए। तो इसलिए ये कथाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि पुराने दादी नानी हमें सुनाती थी, और हम अब तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सुने, पर ये कथाएं जो है प्रचलन में हैं और इस तरह से बताई गई है। और कृष्ण जी ने भी अपना ज्ञान जो दिया था पार्थ को अर्जुन को, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि मन को वश में कैसे करें, अपने मन को वश में करें, दूसरे के मन तो स्वामी वश में हो जाएगा जब आपका मन उधर आसक्ति नहीं होगा, किसी से कंपटीशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपका मन ये चाहेगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे का मन जो है अपने वश में करूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नई पुरानी कुछ भी बातों के साथ, कोई भी टॉपिक के साथ, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो आज हमने मन को वश में करने की ऊपर टॉपिक पर बात की। तो दीजिए अब इजाज़त, नमस्कार।